हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इसी को ही नरेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले भी वीडियोस देखी होंगी टेंस की, तो जो टेंस मैंने आप लोगों को करवाए थे उस टेंस के अकॉर्डिंग आप नरेशन वॉइस बहुत ईजली बहुत आसान तरीके से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, उसी के थ्रू मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा नरेशन का भी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताऊंगी टेंस करवाने से पहले। ठीक है, यहाँ देखो, रिपोर्टेड स्पीच के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। एक होती है डायरेक्ट स्पीच और दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर एक होती है रिपोर्टेड वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, पहले हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो रिपोर्टेड वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है उसके बारे में बताऊंगी पहले मैं आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, रोहन सेड टू मोहन, I am going to Delhi। ठीक है, मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, रोहन सेड टू मोहन, I am going to Delhi। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ इन ये कोमाज हैं, तो इससे पहले की ये क्या है आपकी रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, ये क्या है रिपोर्टेड वर्ब, और जो स्पीच जो यहां पर कहा गई है, जो बात कही गई है, वो क्या है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। ओके, जिसने कहा, जिसको कहा, ये क्या है आपकी रिपोर्टेड वर्ब, और क्या कहा वो क्या हो जाएगी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। जो डायरेक्ट है, अब इसके रूल्स देखो कैसे निकल कर आए हैं। रोहन सेड टू मी, यहाँ पर इनवर्टेड कोमाज है, कोमा है ये, और यहाँ से लेके जो यहाँ है स्पीच तक का, ये आपका इनवर्टेड कोमाज है और ये क्या है आपका अकेला कोमा। ठीक है, तो जो आपकी डायरेक्ट स्पीच रहेगी वो रिपोर्टेड वर्ब के बाद कोमा मिलेगा आपको, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इनवर्टेड कोमाज में मिलेगा। ठीक है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे स्टूडेंट्स, देखो, रोहन टोल्ड मोहन, आई फर्स्ट पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग ही, ये हो जाएगा इनवर्टेड कोमास को हटाने के लिए पहले दैट, उसके बाद ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहा है, रिपोर्टेड वर्ब के बाद जो कोमा था वो नहीं आया है। ठीक है, और जो इनवर्टेड कोमास था वो भी अब नहीं आए हैं। तो जो फर्स्ट रूल है रिपोर्टेड सॉरी डायरेक्ट स्पीच का, वहाँ पर क्या रहेगा कोमा और इनवर्टेड कोमास। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो इनवर्टेड कोमास था वो भी हट जाता है और जो कोमा है वो भी हट गया है। उस कोमा को हटाने के लिए हमने दैट का यूज़ किया है। ठीक है, ये डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं तो डायरेक्ट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वो पहले रहेगी, सब्जेक्ट से पहले रहेगी। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट करेंगे, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे, तो वहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी। ठीक है, ये था आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब मैं कुछ रूल्स लिख रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो आपने ये रिपोर्टेड स्पीच करते हुए ध्यान में रखने हैं। रिपोर्टेड स्पीच का एक रूल है स्टूडेंट्स, SON, आप लोगों ने सुना भी होगा SON, 1 2 3। अब ये 1 2 3 क्या है? ठीक है, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन आई वी,
ये आपके सब्जेक्ट के तौर पर रहेंगे, वैसे फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी अवर अस, ठीक है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट रहेगा आई और वी फर्स्ट पर्सन, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पर्सन है यू यूअर यू, ठीक है, यहां पर जो सब्जेक्ट रहेगा वो यू है, तो वो आपका चेंज हो जाएगा सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है जैसे कि ही शी इट एनी नेम, ठीक है, वो आपका चेंज नहीं होगा, ओके। यहां पर थर्ड पर्सन क्या है, नो चेंज, क्लियर। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज, एन नो, ठीक है। ये आपका सिंपली रिपोर्टेड स्पीच करते हुए हम ये रूल करते हैं। अब इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को पहले टेंस करवाए थे उसके थ्रू मैं आप लोगों को बता रही हूँ रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने वहां पर भी टेंस का एक फॉर्मेट तैयार किया था, एक चार्ट तैयार किया था, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही आसान रहेगा आपको रिपोर्टेड स्पीच करना, ओके। क्या है कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस चेंज हो जाएगा आपका पास्ट इनडेफिनिट टेंस में। वहां पे हमने तीन पार्ट किए थे, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। यहां हम फ्यूचर को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ हमने प्रेजेंट और पास्ट का किया है। तो जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है वो आपका चेंज हो जाएगा किसके अंदर, पास्ट इनडेफिनिट के अंदर। कैसे, जैसे यहां आया था हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो यहां हम किस में चेंज कर देंगे, उसके वर्ब की सेकंड फॉर्म में, क्लियर। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब थी यहां इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ठीक है। तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। उसके अकॉर्डिंग क्या था, यहां वाज और वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ठीक है। उसके अलावा थर्ड है हमारा परफेक्ट, कौन सा परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, यहां लिख रही हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो वहां पर हमने किया था हैज और हैव, और उसके साथ की थी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसी तरह से जो पास्ट है, पास्ट को हम चेंज, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, यहां क्या हो जाएगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वहां हमने किया था हैज हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो यहां हम चेंज कर देंगे इसे हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। इस टाइप से हमने प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया, ठीक है। अब है जो मान लीजिए पास्ट इनडेफिनिट टेंस आया हुआ है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे हम, बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट्स, ये आपको शायद देखो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है और शायद लर्न भी हो गया होगा ये चीजें कि प्रेजेंट को सिर्फ हमने पास्ट में चेंज किया है, ठीक है। अब है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, यहां देखो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, इसको हम थर्ड पे ले आएंगे, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको हम चेंज कर देंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर देंगे इसको इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस को किसमें चेंज कर देंगे, वाज वर को किसमें चेंज कर देंगे, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी,
ये आपका सिंपली रूल है एक, जब भी हम टेंस करते हैं, जब भी हम ये रिपोर्टेड स्पीच करते हैं तो वहां पर जो टेंस है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा से फिर बता रही हूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस को किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम चेंज कर देंगे फोर्थ में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। बिल्कुल ही आसान तरीका है, इसी के अकॉर्डिंग अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता रही हूं मैं, जो हमारा एक्स्ट्रा वर्ड होता है कई बार, जैसे कि नाउ, दिस, ठीक है, ये कैसे चेंज होंगे, जो नियर के होते हैं उसको हम दूर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। वो लिख रही हूं मैं अभी यहां पे, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। ओके, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब हम चेंज करेंगे तो वहां पर मान लीजिए वर्ड है दिस, तो उसको हम चेंज कर देंगे किसके अंदर, दैट में, दीज उसको चेंज कर देंगे दोज में, ठीक है। नाउ उसको चेंज कर देंगे हम देन में, एगो उसको चेंज कर देंगे बिफोर में, यस्टरडे उसको चेंज करेंगे द प्रीवियस डे, ठीक है। टुडे चेंज कर दिया हमने दैट डे, टुमोरो चेंज टू द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि है लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, तो उसको हम चेंज कर देंगे नाइट बिफोर। इस टाइप से हमने जो नज़दीक की चीज़ें हैं उसको हम दूर में चेंज कर देंगे, जो वर्ड्स आते हैं जैसे कि दिस है उसको दैट में, मतलब जो पास है उसको दूर में चेंज कर देंगे सिर्फ, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेना है, किसी ने नोट्स तैयार करने हैं अपने तो इस टाइप से लिख सकता है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूं यहां पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किस तरह के सेंटेंस होंगे, ठीक है। देयर आर फोर टाइप्स, ओके। फर्स्ट असर्टिव, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, और फोर्थ है ऑप्टेटिव, और इसी के साथ आ जाते हैं हमारे एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में, चार टाइप के होंगे सेंटेंस, असर्टिव, उसके बाद इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। असर्टिव के अंदर सिंपल सेंटेंस आएंगे आपके, जिसके अंदर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने तैयार करना है, ठीक है। इंटरोगेटिव देखो वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस व्हाट या फिर हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। इंपेरेटिव के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस जहां पर डायरेक्ट मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ओपन द डोर, ठीक है। और ऑप्टेटिव के अंदर जो हम विश करते हैं,
ठीक है, वो आ जाएंगी, और एक्सक्लामेटरी के अंदर जो अचानक से कुछ सडन फीलिंग्स होती हैं वो शो करने के लिए। क्लियर, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का, थैंक यू। और सेकंड पार्ट आगे हम आगे करते रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यू। हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आई सेड कोमा मे आवर टीचर लीव लॉन्ग, एक्सक्लेमेटरी साइन और इनवर्टेड कोमा क्लोज। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, आई प्रेड। अब यहाँ पे प्रेड क्यों आया है, क्योंकि ये मे विश है ना कोई तो उसके अकॉर्डिंग प्रेड, आई प्रेड दैट। ओके, अब हम सब्जेक्ट लेंगे पहले आवर टीचर। ठीक है, मे को हम चेंज कर देंगे माइट में लिव लॉन्ग। अब जो एक्सक्लामेटरी साइन था वो हट जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेड कर दिया है, प्रेड कर दिया है यहाँ पे, तो इस वजह से अब एक्सक्लामेटरी जो साइन है वो नहीं रहेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।